हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है बायलैटरल मोनोपोली। नाम से ही थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। बाय बाय का मतलब होता है टू, बायलैटरल का मतलब हो गया टू साइडेड, और मोनोपोली आप जानते हैं यानी टू साइडेड मोनोपोली हो, यानी सिंगल अपन पढ़ चुके हैं सिंगल सेलर, तो सिंगल सेलर को हमने कहा था मोनोपोली, और सिंगल बायर भी हम पढ़ चुके हैं, दैट्स कॉल्ड मोनोपसोनी। तो जहां मोनोपसोनो भी हो और मोनोपोली भी हो उसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली, यानी सिंगल ही तो बायर है और सिंगल ही सेलर है। सही है, सिंगल बायर सिंगल सेलर दोनों तरफ से मोनोपोली है, इसलिए इसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। दोनों तरफ मोनोपोली है इसलिए इसको बायलैटरल मोनोपोली कहा जाता है। इट मीन्स मोनोपोली बाय बोथ साइड्स, दोनों साइड से मोनोपोली चल रही है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली क्योंकि सिंगल सेलर है मार्केट, एंड मोनोपसोनी क्योंकि सिंगल बायर है। तो सिंगल सेलर का मतलब तो हो गया मोनोपोली, और सिंगल बायर हो गया यानी मोनोपसोनी। जब दोनों हो जाती हैं तो वो कहलाती है बायलैटरल मोनोपोली। मोनोपोली सेलर किसको क्या चाहता है? सर वो तो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी मैं जब माल बेचूँ तो खूब प्रॉफिट हो, तो वो तो चाहता है टेंड्स टू चार्ज हायर प्राइसेस, वो तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चाहता है जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। भाई ज़्यादा में बेचेगा तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मोनोपसोनी बायर क्या चाहता है? टेंड्स टू बाय एट लोअर प्राइस, वो चाहता है मैं सस्ते से सस्ता माल खरीदूँ, जब सस्ता खरीदूंगा तभी तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी वो कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा है, जबकि मोनोपसोनी सेलर सेल प्राइस को बढ़ाकर प्रॉफिट ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो दोनों की स्ट्रेटेजी जो है वो अलग अलग है, एक सेल प्राइस को बढ़ाकर अपना प्रॉफिट बढ़ाता है, और एक कॉस्ट प्राइस को कम कर बाइंग ही सस्ती कर लेगा तो अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। When combined to bilateral monopoly, और दोनों को मिला दें कि दो strategies एक ही market में चल रही है, कि monopoly ज़्यादा पे बेचना चाहता है, monopsony कम पे खरीदना चाहता है, तो इसी को bilateral monopoly कहते हैं। The buyer and seller both cannot maximize the profit simultaneously। अच्छा दोनों अपना profit थोड़ा ना बढ़ा लेंगे, ये selling price बढ़ाएगा और ये जो purchasing power कम कर ले, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो इसको झुकना पड़ेगा या इसको झुकना पड़ेगा, दोनों पॉलिसी एक साथ नहीं चल सकती। सही है, किसी एक की तरफ तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, तो ये डिपेंड करता है उनके बार्गेनिंग पावर पर। तो इसलिए लिखा है द बायर एंड सेलर बोथ कैन नॉट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। भाई अगर इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका कम होगा, और इसका बढ़ेगा तो इसका कम होगा, तो ये बात तो तय ही है कि दोनों एक साथ तो कैसे होंगे। भाई एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, तो यदि इसका खर्चा बढ़ेगा तो इसकी इनकम कम हो जाएगी, और यदि इसकी इनकम कम होगी तो इसका खर्चा बढ़ेगा। तो ये एक तो इसे साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, एंड आर फोर्स टू निगोशिएट द प्राइस एंड क्वांटिटी। इनके बीच में प्राइस और क्वांटिटी के लिए निगोशिएशन लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि दोनों मार्केट को अपनी तरफ या अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। देन रिजल्टिंग प्राइस, तो जो रिजल्टिंग प्राइस आती है कुड बी एनी वेयर, वो कहीं भी हो सकती है, बिटवीन द हायर मोनोपोली प्राइस भी हो सकती है एंड द लोअर मोनोपसोनी प्राइस भी हो सकती है, क्योंकि जिसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी थी उसी के अकॉर्डिंग प्राइस हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। प्राइस डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पावर ऑफ ईच साइड, दोनों की निगोशिएशन पावर कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है, यानी किसकी कितनी जरूरत है ये उस पर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या तय होगी। यानी प्राइस के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है उसके निगोशिएशन पावर पे, उसकी निगोशिएटिंग पावर पर। इट इज मोस्ट रिलीवेंट फॉर फैक्टर मार्केट स्पेशली लेबर मार्केट, और नॉर्मली ये सिचुएशन जो आती है वो लेबर मार्केट में आती है, फैक्टर मार्केट में आती है। सही है, तो ये सब चीज़ तो अपन ने देख ली कि हाँ भाई ये क्या है, दोनों तरफ से मोनोपोली है, दोनों निगोशिएशंस करते हैं, एक प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करता है, एक कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, उसी के हिसाब से चलते हैं। तो अब अपन चलते हैं इसके प्राइस डिटर्मिनेशन पे, इसका प्राइस डिटर्मिनेशन देखते हैं। ये इसका प्राइस डिटर्मिनेशन है, थोड़ा सा डायग्राम आपको टफ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको ईजी लगेगा। तो पहले इसमें कुछ चीज़ें तय कर लें कि यहाँ OX क्या है। OX है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है। OY है प्राइस, तो ये OY प्राइस है। DMU डिमांड कर्व है, ये जो आपका आ रहा है डिमांड कर्व है। देन है MR मार्जिनल रेवेन्यू है, तो आपका ये MR जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे। सही है, मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये जहाँ बराबर होंगे वहाँ आपका इक्विलिब्रियम है। तो ई आ गया यहाँ, ये ई पॉइंट आपका आ गया। लेकिन जो ये ई पॉइंट आया है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो तो रेवेन्यू और कॉस्ट को देखता है,
वो रेवेन्यू, ये रेवेन्यू आ रहा है, ये कॉस्ट है, वो उसको देखता है। तो ये ऑन पॉइंट ई यानी इसकी बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट, ये मोनोपोलिस का यानी सेलर का इक्विलिब्रियम आया है। तो मोनोपोलिस विल सेंड ओएम क्वांटिटी, ओएम क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस पे लिया है, तो ये ओएम क्वांटिटी मोनोपोलिस जो है बेचना चाहता है एट ओपी वन प्राइस, क्योंकि ये यहाँ आपका आया है तो इसकी प्राइस क्या होगी, क्या प्राइस यहाँ ये आपका प्राइस है, तो ओपी वन प्राइस है। तो मोनोपोलिस तो ये चाहेगा कि उसको ओएम क्वांटिटी जो है वो बिक जाए एट ओपी वन प्राइस, यानी ओपी वन प्राइस, ये ओपी वन क्योंकि प्राइस जो है वो आपकी ऊपर जाएगी यहाँ से, और जहाँ डिमांड के साथ मीट आउट होगी उसके साथ होगी। तो ये ओपी वन प्राइस पे ये कौन चाहता है, ये मोनोपोली सेलर चाहता है। अब पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या, क्योंकि मोनोपसोनी का इक्विलिब्रियम अलग होता है, इस इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपसोनी, ये मोनोपसोनी के लिए, पॉइंट ई मोनोपोलिस्ट के लिए था, ये मोनोपसोनी के लिए बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से था ई पॉइंट। अब मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, वेयर एम सी इक्वल्स टू डी एम यू, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर होगी यहाँ। तो जो मोनोपसोनी है वो जो है वो ये वाला पॉइंट चाहेगा, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट। बायर वांट टू बाय ओ क्यू क्वांटिटी, इसको मैं नीचे ले आया क्योंकि बी पॉइंट से नीचे आया, तो ये आ गई ओ क्यू क्वांटिटी। तो बायर ओ क्यू क्वांटिटी खरीदना चाहता है एट ओ पी टू प्राइस, ओ पी टू प्राइस, क्योंकि प्राइस तो इस तरह होगी डिमांड, जहाँ जो ये इक्विलिब्रियम है ये यहाँ आ जाएगा और सप्लाई पे, तो ये वाली जो प्राइस है ये ओ पी टू चाहेगा। बायर वॉन्ट टू बाय ओ क्यू क्वांटिटी, ओ क्यू क्वांटिटी एट ओ पी टू प्राइस, ओ पी टू प्राइस यानी ओ क्यू प्राइस, ओ क्यू प्राइस कैसे जो है ओ पी टू प्राइस है और ओ क्यू क्वांटिटी है। अच्छा ए क्यू आप प्राइस को बोल सकते हैं, ए क्यू प्राइस, इसलिए ए क्यू प्राइस जो लिखा है ना वो इसलिए लिखा है कि ए क्यू प्राइस, क्योंकि आप पी टू ओ पी टू बोल दो या ए क्यू बोल दो, दोनों हैं तो पैरेलल ही, तो एक ही बात है। तो कुल मिलाकर हमें ये पता लग गया इस डायग्राम में कि जो ये वाली प्राइस है बायर, जो सेलर है वो इस पर सेल करना चाहता है, बायर इस पर खरीदना चाहता है, यानी दो प्राइसेस हो गई, एक तो हो गई सेलर के पॉइंट, सेलर तो हाई प्राइस लेना चाहता है और जो बायर है वो कम प्राइस पे खरीदना चाहता है। अब दोनों की निगोशिएशन पावर कैसी रहेंगी कि अब ये पी वन के आसपास इक्विलिब्रियम आता है या पी टू के आसपास आता है या इसके बीच में आता है, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि उनकी निगोशिएशन जो पावर है ना वो कितनी है। भाई एक प्राइस पी वन है, एक प्राइस पी टू है, पर ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायर तो अपनी चलाना चाहेगा क्योंकि वो भी मोनोपसोनी में है, सिंगल बायर है। अच्छा जो सेलर है वो मोनोपोली में, वो अपनी चलाना चाहेगा कि मैं तो इस प्राइस से बेचूंगा, पर सौदा तो तब होगा ना जब वो किसी चीज पर एग्री करेंगे दोनों। अगर दोनों यहीं बैठे रहेंगे तो उससे तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, उससे तो सौदा हो गई नहीं। सौदा तब होगा जब दोनों एक प्राइस पे एग्री हो, तो वो प्राइस इसके बीच में कहीं होगी। ये रेंज आपको पता लग गई, ये बेसिक प्राइस है मोनोपसोनी की और ये प्राइस है मोनोपोली की, सेलर की ये बायर की, इसके बीच में कहीं प्राइस जो है ना वो तय होगी। इसी चीज को अपन को देखना है कि वो कैसे होगी। तो इसीलिए नेक्स्ट पेज पे लिखा है हेयर वी कैन कंक्लूड इट, क्या इन रियलिटी प्राइस विल बी डिटरमाइंड इन बिटवीन ओ पी वन एंड ओ पी टू, क्या कि प्राइस जो तय होगी ना वो आपकी ओ पी वन और ओ पी टू के बीच में कहीं होगी। कहाँ होगी ये निगोशिएशन पे डिपेंड करता है। क्या निगोशिएशन, इफ बार्गेनिंग पावर ऑफ मोनोपोलिस्ट इज ग्रेटर देन मोनोपसोनी, मोनोपोलिस्ट यानी सेलर, अगर सेलर की जो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा अच्छी है मोनोपसोनी यानी बायर से, ये बायर है, द प्राइस विल बी डिटरमाइंड क्लोज टू ओपी वन। क्या कहना चाहता है, अगर सेलर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो प्राइस कहीं इस रीजन में तय होगी, यहां इसके आसपास होगी, अगर उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा अच्छी है, किसकी, मोनोपोली सेलर की। अगर मोनोपसोनी बायर की बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो प्राइस कहीं इसके आसपास तय होगी, पी टू के आसपास। तो ये डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर किसकी ज्यादा अच्छी है, तो उसके हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा, इसलिए लिखा है वाइस वर्सा। तो यानी बायर की अगर अच्छी है तो ओ पी टू के आसपास हो जाएगा और अगर सेलर की अच्छी है तो ओ पी वन के आसपास हो जाएगा।
सो देयर कैन बी, अब एक कंडीशन एक्स्ट्रा भी आई, देयर कैन बी फर्दर वन मोर पॉसिबिलिटी, अब एक पॉसिबिलिटी इन दोनों के बीच में भी आ सकती है, द मोनोपोलिस्ट मे बी मर्ज इन ए सिंगल बायर फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खरीदने वाले हैं वो एक सिंगल बायर फर्म में बन जाए, सिंगल बायर फर्म में बन जाएंगे तो वो है ना ज़्यादा अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएंगे, देन इक्विलिब्रियम विल बी पॉइंट एफ। कैसे, ये देखो ये पॉइंट एफ की बात हो रही है, ये सप्लाई कर्व है एमसीएस, ये डिमांड कर्व है, यहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट नंबर एफ बन जाएगा और ये एक नई प्राइस पी थ्री निकल जाएगी, इस पर क्वांटिटी भी ओ टी हो जाएगी, प्राइस ओ पी थ्री हो जाएगी और क्वांटिटी बढ़ गई। देखो ये दोनों इस क्वांटिटी पे बेचना चाहते थे, ये इस क्वांटिटी पे खरीदना चाहते थे, है ना, लेकिन जब सब मिल गया तो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और वो कितनी क्वांटिटी हो गई, अब वो ओ टी क्वांटिटी हो गई, इसलिए लिखा देन इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट एफ, प्राइस ओ पी थ्री होगी और जो एंड एट दिस प्राइस लार्ज क्वांटिटी ओ टी विल बी परचेज, तो पॉइंट एफ ओ पी थ्री और ओ टी, ये तो रहा पॉइंट एफ जहाँ डिमांड और सप्लाई ने काटा, क्वांटिटी हो जाएगी ओ टी जो पहली वाली क्वांटिटी से ज़्यादा है और प्राइस हो जाएगी ओ पी थ्री जो पी वन और पी टू यानी सेलर और बायर दोनों के प्राइसेस के बीच में है। तो इस तरीके से आप जो है वो बायलैटरल मोनोपोली, जब दोनों तरफ से मोनोपोली होती है तो उसको देखते हैं। डायग्राम थोड़ा सा टफ है, दो दो तीन तीन कंक्लूजन एक में ही निकालने पड़ते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन मैं चाहूँगा वीडियो आप दो तीन बार देखें तो इससे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो सब आपको प्रिंटेड हैं चाहे हैंड रिटन है, और क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।